कल रात को वीडियो एडिट करते करते मैं बाहर ही सो गया, और आजकल गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ गई? भैया फिलहाल सुबह के 6 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं शूट पे। आप सोच रहे होंगे कि मैं हम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अकेला निकला हूँ, बट हमारे साथ हैं आरुषि जी। तो ये हमारे लिए कैब बुक करके लेके आएंगे। कितनी अमीर पार्टी आप देख सकते हैं, मतलब कैब बुक करके सुबह, मतलब अभी स्ट्रेस में कौन वो ट्रेडिशनल में कौन बाइक चलाएगा। अच्छा, तो ये रीज़न था। तो और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो सारा पैसा है वो खर्च हो जाता है इस प्रोटीन बार। मतलब ये हमेशा प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन माइंडेड पीपल है ना, ओपन माइंडेड ना नैरो माइंडेड, ओनली प्रोटीन माइंडेड। शायद ये शिवांग का फ़ोन है, क्योंकि शिवांग भी आ रहा है। अच्छा, मैं ये आपको बताना भूल गया कि शिवांग भी आ रहा है। हाँ जी भैया जी, बताइए क्या बोल रहे हैं आप। कैब आ चुकी है, हम बैठ चुके हैं, आप सोए हुए हैं क्या? आप व्लॉग में हैं, आप कुछ बताइए। अरे मज़ा आ रहा है, बस आप जल्दी निकल जाइए, क्योंकि मज़ा तो हम आपको बताएंगे, आप जब जल्दी नहीं पहुँचेंगे तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। तो हम लोग पीछे वाले गेट से हैं, एक्चुअली मेन गेट पे, मेन गेट हमें मिल नहीं रहा था, पता नहीं लोकेशन पे यही वाला दिखा रहा था, तो हम लोग पीछे वाले गेट से हैं और अभी हम वॉक करके जाएंगे अंदर की तरफ। इधर जाएंगे, इधर तो मैं सिमरन बनने जा रही हूँ, ठीक है? एक्शन। तो आप लेट आए हैं, तो आपकी सैलरी कितनी काटनी चाहिए? 2000 में से 5000 काट सकते हो। हम लोग बहुत पहले एक बार यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे एक पेड़ था, वहाँ पे पिंक फ्लावर्स थे, बट बिकॉज ऑफ गर्मी, जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया कि गर्मी बढ़ गई है, तो वो फ्लावर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो फिलहाल हम जाएंगे वापस, क्योंकि हम बहुत आगे तक चल के आए जस्ट पिंक फ्लावर्स के लिए, तो पिंक फ्लावर्स उसमें बचे नहीं है, तो अभी हम वापस जाएंगे। तो अभी हम जाने वाले किधर, कौन से फ्लावर की तरफ? रेड फ्लावर्स पे। तो अभी हम रेड फ्लावर्स की तरफ जाने वाले हैं, इन्होंने रेड पहना हुआ है, तो रेड के साथ रेड हम मिक्स करके कुछ बनाना चाहते हैं। येलो फ्लावर्स भी हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे, यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाएंगे, एस्थेटिक दिखाएंगे। वाइड में तो ये छोटू छोटू लग रहे हैं, देख रहे हैं आप वाइड लेंस में, देख रहे हैं आप कैसे लग रहे हैं। अब आपको मैं जादू दिखाता हूँ, और ये 1 2 3। तो भैया फोटोग्राफी आसान नहीं होती, परफेक्ट एंगल और परफेक्ट व्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। थोड़ा ऊंचा करो, बहुत अच्छा आ रहा है। आरुषि सामने देखना एक बार। तो भैया ये जो 105mm लेंस है, इस पर बहुत महंगा, मतलब खर्चा हुआ है, समझ सकते हैं आप। और मतलब जितना महंगा खर्चा हुआ है उतना ज़्यादा इसका वेट है, मतलब ज़्यादा देर तक आप इससे शूट करेंगे तो आपके कंधे मतलब मचक जाते हैं, आप समझ जाइए। तो अभी फ़िलहाल बहुत टाइम से शूट कर रहे हैं इसके साथ, तो अभी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। तो बाकी के कुछ अभी शॉट्स लेने हैं, उसके लिए अभी हमने ये वाली एक लोकेशन देखी है, जहाँ पर लाइट ऊपर से आ रही हैं, ऊपर से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे येलो फ्लावर्स की तरफ। तो भैया जी, हमने सारे शॉट्स ले लिए हैं, जो भी हमारे दिमाग में था, जो भी हमें शूट करना था, वो सब कर लिया है। अभी बज गए हैं 10, हम सुबह निकले थे 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास, और 10 बज चुके हैं, तो धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। तो अब क्या करेंगे कि हम घर जाएंगे। और एक चीज़, डेली व्लॉग का जो ज़िम्मा ले लिया है, तो आज ही मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, ट्राई करूँगा आज रात तक इसको कम्प्लीट करूँ और कल सुबह ये पोस्ट हो जाएगा। और बाकी इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा, कैसा मतलब रहा शूट, कैसा रहा, हाँ बताइए। तो बहुत मज़ेदार था, बट अब घर जाना है ना, तो हम कैब बुक कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं थोड़ी थकान हो गई, थोड़ा लग्जरी का फील करना चाहिए, तो ये कैब है, लेकिन मतलब 1500-2000 रुपये दिखा रहे हैं घर जाने के, चलेगा क्या? 1500-2000 कितने किलोमीटर का? खा लूंगी उतने का। 20-25 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और क्या। ये प्रोटीन बार खा रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल से इसमें लग्जरी क्या होगा, शायद मसाज वसाज मिलती होगी कुछ। Thank you.
भैया जी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ये जो बैग देख रहे हैं आप पीछे 10 केजी का बैग उठा उठा के, कैमरा उठा के, 105 mm लेंस उठा के बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और ये हाथ में ब्रेड है, दूध है, अभी कुछ खाना खाएंगे और नहा के आपसे बात करते हैं। तो भैया जी नहाने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ, सच बताऊँ तो 2 घंटे की नींद भी ले ली है, पावर नैप। अब आपको बताते हैं मुद्दे की बात कि ये जो डेली व्लॉगिंग है हम ये चालू करने वाले हैं। तो हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अपने साथ करने का सोचा है कि मतलब कम से कम एक दिन में एक व्लॉग वाला तो नहीं, बट एक दिन में एक व्लॉग और फिर बीच में गैप और फिर अगले दिन व्लॉग, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस बात यह है कि हम सोच रहे हैं कि अब डेली व्लॉग स्टार्ट करें। मुझे मतलब कैमरे के सामने आके बोलना थोड़ा उतना अभी तक बना नहीं है, बिकॉज मोस्टली क्या है कि कैमरा एक नॉन लिविंग थिंग है, हम लिविंग थिंग हैं, तो जब हम बोल रहे हैं कैमरा एक नॉन लिविंग थिंग है तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कॉन्वर्सेशन में शायद तक। इसी चक्कर में कैमरा के सामने बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है, तो शायद तक इन डेली व्लॉग के चक्कर में, इस डेली व्लॉग के एक्सपेरिमेंट से शायद तक वो भी ठीक हो जाए। अपने आप को ये चैलेंज दे रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं मालूम कि मतलब ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कोई वादा नहीं कर रहा, ये एक चैलेंज है। तो मैं अगर हार गया तो हार गया, हर ह्यूमन बीइंग हारता है जीतता है। तो मैं जब तक ये डेली व्लॉग कर पाऊँ तब तक करूँगा, और बीच में अगर गैप्स हो जाते हैं तो मुझे याद दिला देना इंस्टाग्राम पे @ कैमरा वाले भैया। बाकी कमेंट सेक्शन पे और एक चीज़ आप बता दीजिए कि आप किस टाइप के व्लॉग्स, आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे। और मिलते हैं कल की वीडियो में, चलिए ओके, सायोनारा।